सो आज की इस एडिटिंग वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं अपना हैप्पी कैप का यूज़ करके दोस्तों कुछ इस तरीके के फोटो को दोनों कुछ इस तरीके से एडिटिंग देन। अगर आप लोगों को भी करना है दोस्तों अपना फोटो को कुछ इस तरीके से एडिटिंग, तो वीडियो की कोई भी पार्ट आप लोग को स्किप नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को बैकग्राउंड को मॉडिफाई कैसे करना है, देन फोटो को कुछ इस तरीके से एडिटिंग कैसे करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए यार चलते हैं फाइनली हम लोग अपना एडिटिंग की ओर। मेरे भाई सबसे पहले हम लोग अपना ये वाला बैकग्राउंड अपना पिक्सआर्ट के अंदर ऐड करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम लोग को करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और जो हमारा बैकग्राउंड उसको सबसे पहले हम लोग को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। जो हमारे यहाँ ऊपर के साइड है उस पर हम लोग स्काई वगैरह ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोगों को जाना है मेरे भाई सबसे पहले अपना स्टिकर पे। स्टिकर पे आने के बाद दोस्तों यहाँ हम लोगों को अपना सर्च बार पे आ जाना है। सर्च बार पे जैसे ही आएंगे मेरे भाई यहाँ सर्च कर लेंगे हम लोग फाइनली अपना स्काई। स्काई सर्च कर लेने के बाद आप लोगों को ढेर सारा स्काई शो हो जाएगा, देन आप लोगों के अपना बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उस कलर में आप लोगों को बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे कि मैं अपना ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, देन इसका साइज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे और इसको दोस्तों अच्छे से यहाँ ऊपर के साइड एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और चाहो तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों ब्लाइंड का ऑप्शन है, इस पे जाके यहाँ आप लोग कुछ इस तरीके से जो कि इसको एडजस्ट वगैरह करके भी देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। जो कि यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों का बैकग्राउंड वगैरह मैच भी हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जो कि हम लोग अपने यहाँ मल्टीप्लाई या तो डार्क पर रख लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई और जो डार्क है दोनों हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है जो कि देख सकते हो, बट ये मल्टीप्लाई वाला मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। देन इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा अगेन कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे राइट। फाइनली इतना हम लोग अपना पिक्सआर्ट के अंदर अपना जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। बाकी का एडिटिंग करेंगे हम लोग देन अपना हैप्पी कैप के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जो कि अपना बैकग्राउंड उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मेरे भाई यहाँ देख सकते हो ये फाइनली हम लोग का हैप्पी कैप है। देन इसको हम लोग ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, इसका इंटरफेस है। इनपुट पर क्लिक करेंगे हमारा गैलरी होगा मेरे भाई। अभी हम लोग को करना क्या है, देन हमारा जो बैकग्राउंड है उसको ले लेना है। ले लेने के बाद अब नीचे के साइड को कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके आ जाएंगे मेरे भाई हम लोग फाइनली अपना ओवरले पे, और फिर से हमारा जो गैलरी है उसको हो जाएगा। अब जो हम लोगों को अपना पिक एडिटिंग करना है उस पिक को यहाँ से फाइनली ले लेना है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मैं अपना ये वाला पिक को फाइनली आप लोगों को एडिटिंग करके दिखाऊंगा, तो इसको हम लोग यहाँ ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन होगा ऑटो सेलेक्ट का, इस पर फाइनली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ सेकंड हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेसिंग देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद दोस्तों जो कि हमारा जो मॉडल है उसको ग्रीन टोन में फाइनली सिलेक्शन बन जाएगा मेरे भाई, जो कि यहाँ आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है मेरे भाई। सिलेक्शन बन चुका, बट मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ, देख सकते हो इस साइड पर हम लोगों का जो कि बाहर के साइड आ चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, देन अपना इरेजर टूल लेंगे, देन इस साइड को कुछ इस तरीके से हम लोग इसको इरेज करेंगे, ठीक है। अगेन इतना होने के बाद अब यहाँ से हम लोगों को फाइनली राइट कर लेना है, और यहाँ फाइनली जो हमारा कटआउट बनकर आ चुका देख सकते हो। अब इसको आप लोगों को दोस्तों अपने खुद के अकॉर्डिंग जो कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो फाइनली मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको जो कि एडजस्ट कर रहा हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा सा और यहाँ इंक्रीज कर लूँगा। तो फाइनली कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ हम लोगों को एक ऑप्शन होगा मर्ज लेयर का, अगेन इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हो बैकग्राउंड और जो हमारा मॉडल है दोनों एक साथ मर्ज हो चुका। मर्ज हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, इसमें हम लोगों को जो कि अपना ऑटोफिल का यूज़ करना है। तो वो कहाँ मिलेगा, यहाँ आप लोगों को नीचे साइड को कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है, आ जाना है मेरे भाई AI इमेज पे, देन यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा देख सकते हो ऑटो फिल। फाइनली इस पर क्लिक करना है और यहाँ हम लोग को वेट करना है दोस्तों जब तक कि 100% ना हो जाए, जो कि फाइनली देख सकते हो दोस्तों अब जो हमारा फोटो है काफ़ी ज़्यादा औसम तरीके से बन चुका है। फाइनली अब यहाँ से हम लोगों को जो कि अपना यहाँ राइट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है, और फोटो देख सकते हो हम लोग का जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम तरीके से बन चुका है। अब बताता हूँ दोस्तों फोटो की क्वालिटी को आप लोगों को 60 FPS तक इंक्रीज कैसे करना है, जिससे आप लोगों का फोटो एडिटिंग जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल का लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फोटो को यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। और फाइनली उसके बाद दोस्तों हम लोगों को अपना होम स्क्रीन पे आ जाना है। फाइनली दोस्तों होम स्क्रीन पे आ जाने के बाद देन मैं अपना ये वाला VPN यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी VPN यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारा VPN है उसको ओपन करेंगे, और जो VPN है उसको फाइनली यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमारा VPN कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को आ जाना है अपना होम स्क्रीन पे, और उसके बाद कोई सा भी हम लोग को एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं अपना यहाँ क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारा क्रोम ब्राउज़र उसको ओपन करेंगे और आ जाएंगे सर्च बार पे। सर्च बार पे आने के बाद दोस्तों यहाँ हम लोग को टाइप करना है अपना क्रिया AI, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ कुछ इस तरीके से जो कि दोस्तों सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा, यहाँ क्रिया देख सकते हो ये वाला ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ आप लोगों को ये वाला ऑप्शन है देख सकते हो, इस पर क्लिक कर लेना। आप लोगों को साइनअप करने के ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप लोगों को अपना जीमेल से साइनअप कर लेना है, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो भी आप लोगों को साइनअप करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। इस पर हम लोग अब फाइनली क्लिक करेंगे।
क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हो दोस्तों, जो कि कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ अपना इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ ऊपर पे अब हम लोगों को दोस्तों अपना जो कि फोटो की क्वालिटी की इंक्रीज करना है, उस फोटो को फाइनली अपलोड करना है। तो यहाँ दोस्तों जो अभी हम लोगों ने फोटो एडिटिंग किया है, उस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड कर लेने के बाद दोस्तों हम लोगों को जो कि कुछ इस तरीके से हमारे जो फोटो है हो जाएगा, और प्रॉम्प्ट लिख के भी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ देख ही सकते हो। अब यहाँ आप लोगों को फोटो की क्वालिटी को कितना इंक्रीज करना है वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ अपना 60x पे कर रहा हूँ, और उसके बाद इनहेंस पे क्लिक करेंगे, और जो हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ नीचे के साइड देख सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ हम लोगों को कुछ सेकेंड वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई क्रिया या तो फ्री में यूज होता है जो कि बिना VPN का, भाई VPN यूज़ करोगे तो आप लोग ज़्यादातर क्रिया AI का यूज़ कर सकते हो, और VPN यूज़ नहीं करोगे तो मेरे भाई आप लोग एक से दो फोटो आप लोग अपना फोटो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ आप लोगों को VPN के साथ आप लोगों को जो कुछ बता रहा हूँ रियल तरीके से बता रहा हूँ। और फाइनली जो हमारा फोटो की क्वालिटी इंक्रीज़ हो चुका है, देख सकते हो फोटो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ इतना हो जाने के बाद अब यहाँ करना क्या, हम लोगों को अपना ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और फोटो को फाइनली यहाँ से कर लेना है सेव। तो आप लोगों को ये भी पता होगा दोस्तों, जो कि हम लोग अपना जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने से जो हमारा मॉडल का फेस है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको भी मैं सही करके बताऊंगा। बट यहाँ दोस्तों एक बार और हम लोग अपना फोटो का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ हम लोग को फिर से अपना प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और जो अभी हम लोगों ने पिक सेव किया उस पिक को फिर से यहाँ अपलोड करना है। फिर से अपलोड कर लेने के बाद दोस्तों फिर से हम लोग को वेट करना है जब तक कि हमारा फोटो ना आ जाए और प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप होकर ना जाए। तो फाइनली हाँ हम लोगों को वेट करना है मेरे भाई, जितना भी टाइम ले 5 से 10 सेकंड, ज़्यादातर आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और यहाँ आप लोग देख ही सकते हो जो हमारा फोटो है वो फाइनली बनकर आ चुका, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को करना क्या, अपना ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर फाइनली क्लिक करेंगे और फोटो को कर लेंगे सेव। उसके बाद बताता हूँ दोस्तों फेस वगैरह को आप लोगों को सही कैसे करना है। तो फाइनली यहाँ देख सकते हो दोस्तों फोटो हम लोगों का सेव हो चुका। अभी हम लोग को करना क्या, सीधा अपना होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और चलेंगे अपना स्नैपशीट के अंदर। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो दोस्तों, जो भी हमें हम लोगों ने अभी फोटो सेव किया था उसको अपना स्नैपशीट के अंदर ऐड कर लिया। अब यहाँ जाएंगे टूल्स पे, टूल्स पे जाने के बाद डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हम लोग को एक ऑप्शन होगा देख सकते हो प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों जो हम लोगों ने बैकग्राउंड कट करके बनाया था उस पिक को यहाँ से लेना है, जो कि यहाँ देख सकते हो ये वाला हम लोगों का रियल पिक है, ठीक है। बट ये अभी हम लोगों का फेस उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, देन ओपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। अब जो हमारा देख सकते हो फेस का रियल फेस है वो आ चुका है। अब यहाँ से राइट करेंगे, राइट कर लेने के बाद यहाँ ऊपर टेढ़ा तिरका आइकन है मेरे भाई, इस पर क्लिक करना है। देन जाना है व्यू एडिट पे, डबल एक्सपोजर, बीच में यहाँ एक ब्रश हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब फोटो को यहाँ से जूम करेंगे, और जो हमारा फेस है उसको कुछ इस तरीके से ब्रश की मदद से रिकवर कर लेंगे, और देख सकते हो जो हमारा फेस पहले की तरह एकदम रियल तरीके से हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम हम लोगों का फोटो लगेगा मेरे भाई। तो मैं यहाँ अपना हाथ वगैरह को भी सही कर ले रहा हूँ, आप लोग करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहो फिर भी ठीक है भाई, बट मैं यहाँ से हल्का सा अपना जो हैंड है उसको सही कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग राइट करेंगे और बैक आएंगे, और यहाँ से अपना एक्सपोर्ट पर क्लिक करके फ़ोटो को कर लेंगे सेव। और फोटो देख सकते हो हम लोगों का जो कि बनकर रेडी हो चुका है। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों जो हमारा फेस है वो सही हो चुका है, और फोटो हम लोगों को देखने में भी काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। तो यहाँ एक काम और आप लोगों को करना है मेरे भाई, इस पिक को ले जाना है अपना लाइट रूम के अंदर, और थोड़ा बहुत आप लोग इसका कलर ग्रेडिंग वगैरह कर लेना मेरे भाई, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए यार मैं आप लोगों को आगे और नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है।